राहे खुदा में हो गए सकलैन निछावर, राहे खुदा में हो गए सकलैन निछावर, नाना के दी पे हो गए हसनैन निछावर, हसनैन के दो नैन पे दो नैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौन है निछावर। दीने नबी के वास्ते आका हुसैन ने करबो बला में कर दिया सब चैन निछावर। मुख खोल कर सुभान अल्लाह बोलो यार, नहीं इसको बोल रहा हूँ, मुख खोलो ना यार, हमें मर्द लोग मुख खोल बैठते हैं, बैठिए। देखिए साहब, मुफ्ती साहब क़िबला से हमें आप कुछ लिखने का मौका मिला, उन्हें लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का मिजाज खाली था, जहन न कोई काम न कोई धाम, सिर्फ खाना खाना सोना उनका काम था, तो तरह तरह के सवाल होते थे, तरह तरह के सवाल। एक साहब ने टेलीफोन फोन किया, पूछा हजरत ये बताइए कि हमारे यहाँ शादी में औरतें आई थी तभी लॉकडाउन लग गया, अब वो फंस गई हैं तो घर में काम काज करती हैं, कभी सोफे पे बैठना होता है, कभी कुर्सी पे बैठ जाती हैं, होता है कभी तख्त पे बैठ जाती हैं, तो वो काम काज करने में उठने बैठने में उनके बाल टूट करके कुर्सी पर गिर जाती है, तो क्या उनके बाल पर बैठने से निकाह तो नहीं टूट जाएगा। ये सवाल बताइए, मसला पूछा गया। फिर साहब ने सवाल किया, जरूरत बताइए कि हमने सुना है उलमा से कि दाहिने हाथ से लेन देन करना, हर काम जायज काम दाहिने हाथ से करना ये सुन्नत है और बेहतर है, तो मैं कार चलाते वक्त अपने कार का की जो गियर होता है मैं बाएं हाथ लगाता हूँ, क्या ये दुरुस्त है। एक साहब ने ये सवाल पूछ लिया, हजरत हमारे कुर्ते का दाहिना जेब फटा हुआ है तो बाएं जेब में जो पैसा रखा है पैसा हराम है कि हलाल है। तो ये सब ऐसे सवाल होते साहब, तो ठीक है। अब मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई, हमें आपको जलसे में आया कीजिए, कुछ नींद कुर्बान कीजिए और मैं सब कुछ सीखा करें।